यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जो वीडियो देख रहा हूँ सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लक्ष्य में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर टू, जो मैनेजमेंट का पेपर नंबर टू है, उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट, जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स की जो यूनिट है, उसका नया चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8। इससे पहले अगर मैं बात करता हूँ, हमने टोटल मिला के जो है इस यूनिट के अंदर चैप्टर नंबर 9 हमने कंप्लीट किया था, जिसकी हमने चैप्टर कंप्लीट करने में उसकी रिविजन भी कर ली थी, जिसका नाम था इन्फ्लेशन, जिसमें बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट मैंने आपको उसके अंदर करवाए थे। एक था अपना इन्फ्लेशन है क्या, उसका कॉन्सेप्ट, एक थे इन्फ्लेशन के टाइप, और एक उसकी मेजरमेंट। तो तीनों तरह की मेजरमेंट जो है वो हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट, जिसका नाम जो है वो है क्या, नेशनल इनकम। अगर बात करता हूं मैं नेशनल इनकम का, तो नेशनल इनकम के अंदर टोटल मिला के चार कॉन्सेप्ट है। सर क्या क्या कॉन्सेप्ट है? एक तो है कि नेशनल इनकम है क्या, उसके बेसिक चीजें वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाए, जो एलिमेंट्री चीजें हैं वो सब, और प्लस में नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के तीन तरह के मेथड्स हैं। तीन मेथड होते हैं नेशनल इनकम कंप्यूट करने का, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वो तीनों मेथड भी करने हैं। और फिर ये भी देखना है कि जब आप नेशनल इनकम को कंप्यूट करें किसी भी मेथड के थ्रू, तो कौन कौन सी चीजों को आपको जो है इंक्लूड करना है, किस किस चीज को आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर मैं बात करता हूं अपने नेशनल इनकम का, तो टोटल मिला के टॉपिक कितने हो गए, चार। एक तो हो गया बेसिक, और तीन हो गए हमारे क्या, मेथड। हम लोग इस चैप्टर के ऊपर जो है टोटल मिला के 5 लेक्चर जो है वो लगाएंगे आज वाले में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है इसका एलिमेंट्री पोर्शन सारा कर लेंगे, जो बेस है वो सारा अपना कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद आगे की तीन वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो तीनों तरह के जो हमारे मेथड्स हैं वो हम कर लेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, हाँ जी, तो आइए अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे टॉपिक को। तो दो लेक्चर हम लगाने वाले हैं एलिमेंट्री चीजों के ऊपर। मैं एक बार के लिए उम्मीद करता हूं कि आपको मामूली सी, बस ये आपने सुना तो होगा ना कभी नेशनल इनकम के बारे में, क्योंकि देखिए ये MBA का टॉपिक है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे उन्होंने भी MBA किया हुआ है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। जनरली कॉमर्स के अंदर जो है हम लोग 12th के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, बट जो बेचारा साइंस साइड से है, या जो मेडिकल साइड से है, या जो मतलब अदर जो, या मान लीजिए आर्ट्स से अगर कोई बच्चा जो है वो आया हुआ है, उस जिसने MBA कर लिया, तो ऐसे स्टूडेंट्स उनको इसकी जो है वो नॉलेज ज्यादा नहीं होती है। तो मैं बिल्कुल बेस से लेके चलूंगा, बेसिक सी बातें जो है मैं आपको बेस से स्टार्ट करके और एक्सट्रीम तक हम पहुंचने का काम करेंगे। ओके, हां जी, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहूंगा। अगर आप लोग भी अपकमिंग 2022 के अंदर जो NTNET का पेपर होना है, आप अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसके लिए हम लोग ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, अगर किसी बच्चे का कॉमर्स है तो वो भी। तो हम लोग जो है उन दोनों कोर्स के हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो लेक्चर, जैसे ये वीडियो लेक्चर, इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का, हर यूनिट का, हर चैप्टर वाइज हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। प्लस में मिलेगा आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, जैसे अभी हम कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, तो यूनिट फर्स्ट की आपको अलग बुक मिलेगी, यूनिट सेकंड की अलग बुक मिलेगी, तो पेपर 2 की 10 किताबें अलग, पेपर 1 की 10 किताबें अलग मिलेंगी। प्लस में रिविजन के लिए रिविजन की वीडियोज मिलेगी, चैप्टर वाइज भी मिलेगी और सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगी, और प्लस में मिलेगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के MCQs। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हमने नीचे नंबर दिया है, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब हम ज़्यादा टाइम ना खराब करके हम शुरुआत करेंगे हमारे कॉन्सेप्ट का। कॉन्सेप्ट का नाम जो है वो है क्या, नेशनल इनकम। देखो अगर नाम पे जाते हैं, नेशनल इनकम जो वर्ड वो अपने आप में क्या चीज़ को डिनोट कर रहा है, नेशनल इनकम क्या है? देखिए नेशनल इनकम, इनकम का मतलब तो क्या हो गया, आय। इनकम का मतलब क्या हो गया, आय, बोलो तो आपकी कमाई, और नेशनल मतलब नेशन की कमाई, ठीक है। तो जो आपकी राष्ट्रीय आय है इसके अंदर क्या आएगा, तो जनरली हम लोग ये बोलते हैं एक देश के अंदर जो है जितने भी लोग हैं उन सब लोगों ने मिलकर जो इनकम कमाई उसको नेशनल इनकम बोल देंगे। ये तो एक लेमन की लैंग्वेज के अंदर हो गया, मतलब एक देश की जो कमाई है उसको हम जो है वो क्या बोल देंगे, राष्ट्रीय आय बोल देंगे। लेकिन एक्चुअल के अंदर चीजें जो है वो थोड़ी सी क्या है, अलग है। बहुत सारे लोग जो है वो GDP को, GDP बोलते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, वो सब्स्टिट्यूट मानते हैं किसका, नेशनल इनकम का। वो बोलते हैं कि GDP इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ऐसा नहीं है। GDP जो है एक छोटा कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है। जनरली GDP के अंदर हम लोग जो है वो क्या लेके आते हैं, इसके अंदर हम लेके चलते हैं वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस जो इंडिया के अंदर क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, या सर्विस इंडिया के अंदर जो है वो क्या की गई है, रेंडर। इन सब का जो जोड़ होता है, जो टोटल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग GDP। मतलब एक साल के अंदर हमारी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जो है कितनी गुड्स बनी, जो गुड्स बनी या जो सर्विस जो दी गई, उन सबका जो जोड़ है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट, ओके। जबकि नेशनल इनकम जो है उसके अंदर क्या है, एक नेशन की इनकम डोमेस्टिक भी और साथ में विदेशों से। तो जीडीपी में जनरली बात की जाती है किसका ओनली, डोमेस्टिक इनकम की, जबकि नेशनल इनकम के अंदर बात की जाएगा डोमेस्टिक इनकम भी और प्लस में जो आपकी सेक्टर इनकम होती है कहां से, एब्रोड से, बोले तो विदेशों से भी जो हमने कमाई करी है वो भी हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो नेशनल इनकम में क्या आएगा, जो हमारे देश के अंदर जो हमने कमाई करी वो भी आएगा और देश के अलावा बाहर के किसी देश से जो हमने कमाई करी है वो भी आपके नेशनल इनकम के अंदर जो है वो क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो जनरली अगर बात करें, देखिए ये पूरा वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ये तो मेरा प्यारा भारत हो गया, ये हमारा इंडिया हो गया और इंडिया के अलावा जितनी भी कंट्री है उन सबको बोलते हैं क्या, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके। तो नेशनल इनकम में क्या आएगा, जो कमाई हमने इंडिया से करी है ये तो आएगा और जो हमारे यहाँ के रेसिडेंट लोगों ने जो विदेशों से कमाई करी है, बोले तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी जो हमने कमाई करी है उसको भी हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और दोनों को मिला के बनती है आपकी क्या, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम के अंदर क्या आएगा, देश के आए, जो देश के अंदर हमने पैसा कमाया वो भी और जो विदेशों से हमने पैसा कमाया वो भी हमारा इंक्लूड होगा किसके अंदर, हमारी नेशनल इनकम में। तो जीडीपी एक छोटा कॉन्सेप्ट है, आप जीडीपी को नेशनल इनकम कभी मत मानिए, जीडीपी ओनली डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं, जबकि अगर बात करूंगा नेशनल इनकम तो वो डोमेस्टिक नहीं, वो डोमेस्टिक के साथ में जो है जो फैक्टर इनकम हम विदेशों से कमाते हैं उसकी भी बात करता है, ओके। हां जी, अब थोड़ा ब्रीफली हम इसको जो है पढ़ना शुरू करते हैं, नेशनल इनकम का कांसेप्ट जो है वो क्या है, पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक बार देखो क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम इज अ सम टोटल, नेशनल इनकम क्या है, टोटल है किसका, ऑफ द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट, जो फैक्टर पे इनकम कमाई, मतलब जो हमारे वेरियस फैक्टर थे, हमारे जो टोटल मिला के चार तरह के फैक्टर हैं, इन चार फैक्टर के ऊपर हमने जो क्या करी है, इनकम कमाई है नॉर्मल रेसिडेंट ने, उन सबको अगर मैं क्या कर दूं, सम टोटल कर दूं, तो वो बन जाएगी हमारी क्या, नेशनल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें आ गई है, एक तो ये नेशनल इनकम आएगा ओनली फैक्टर इनकम, क्या आएगा, फैक्टर इनकम, और दूसरा नेशनल इनकम के अंदर हम इनकम लेंगे लेके चलेंगे ओनली किसकी, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री की, ओके। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया, एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारे देश के जो रेसिडेंट हैं उन लोगों ने फैक्टर से जो भी इनकम कमाई है उस सबको अगर मैं जोड़ लूं तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या, नेशनल इनकम। अब वो फैक्टर इनकम चाहे इंडिया से कमाई हो चाहे इंडिया के बाहर से कमाई हो, उन दोनों को हम लोग नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अभी ऊपर ऊपर से एक बार आपको मैंने बता दिया, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखो ये हमारा इंडिया है जी, इंडिया के अंदर दोनों तरह के लोग रहते हैं, कुछ लोग हैं जिनको बोलते हैं रेसिडेंट जी, और कुछ एक ऐसे भी हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, नॉन रेसिडेंट, एनआरआई बोलते हैं ना, हाँ जी, ठीक है जी। अब नेशनल इनकम के अंदर क्या ले जाएंगे, इंडिया के अंदर आपने जो भी पैसा कमाया है, चाहे वो कमाया इंडिया के लोगों ने चाहे वो कमाया इंडिया के बाहर के लोगों ने, इंडिया में जो पैसा कमाया अब वो क्या है, अगर क्या उन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे इसमें, नहीं सर, बात थोड़ी सी जो है वो क्या है, अलग है। पहले पढ़ते हैं इसको, देखो क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम इज अ सम टोटल, क्या है, टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का, वो फैक्टर इनकम जो अर्न करी है किसने, नॉर्मल रेसिडेंट ने, ओनली किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है, मतलब नॉन रेसिडेंट की इनकम को नेशनल इनकम में हम कंप्यूट नहीं करते। यहाँ पे एक बात आ गई कि जो हमारे नॉन रेसिडेंट होते हैं इनकी जो इनकम है इसकी इनकम को हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ये इनकम नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रही है, वो बोल रहा है सर नेशनल इनकम जो है वो सम टोटल है, बोले तो एग्रीगेट है, इकट्ठा है किसका, फैक्टर इनकम का, जो अर्न करिए किसने, नॉर्मल रेसिडेंट ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है जी। तो इंडिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, सर इंडिया में जो लोग रहते हैं मेजोरिटी तो रेसिडेंट है और कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कौन है, नॉन रेसिडेंट है, तो किसकी इनकम नेशनल इनकम में काउंट होगी, जल्दी बताओ सर, ओनली जो रेसिडेंट है ना, ओनली जो कौन रेसिडेंट है इनकी इनकम को नेशनल इनकम में हम काउंट करते हैं, जो नॉन रेसिडेंट है उनकी इनकम को नेशनल इनकम में हम काउंट नहीं करते, ओके जी सर। अब कुछ आगे बात करते हैं, देखो इनकम दो तरह की है, जो आपके पास पैसा आया वो दो तरीके से है, एक तो होता है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम और एक है आपकी ट्रांसफर इनकम, एक तो कौन सा फैक्टर और एक कौन सा ट्रांसफर। फैक्टर इनकम को बोलते हैं अर्नड इनकम, जो इनकम आपने कमाई, अब जैसे अगर मैं बात करता हूं, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, सिंपल से एग्जांपल लेके चलते हैं, आप जो है वो जॉब कर रहे थे, ओके, और आप जॉब करें किसी कॉलेज के अंदर, आप जो है प्रोफेसर हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर और वहां पे आप जॉब कर रहे हैं, जॉब से आप जो है वो पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और आप जो पैसा कमा रहे हैं वो है मान लीजिए आपके 50,000 पर मंथ, एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आपकी जॉब है कि 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपकी जो है वो कमाई हो रही है, ओके। अब जो है वो क्या आया, 25 दिसंबर को जो है क्रिसमस आएगा और क्रिसमस पे आपकी जो है नानी जी आपके घर पे आई और उन्होंने आपको जो है वो दे दिए मान लीजिए 10,000 रुपए खर्ची के, बस ये 10,000 रुपए जो है वो क्या दे दिया उन्होंने, पॉकेट मनी, ऐसा मतलब खर्ची के तौर पर दे दिया, बोले ले बेटा ऐश कर।
अब मेरा क्वेश्चन शुरू से ये है कि आपके पास टोटल पैसा जो है दिसंबर के महीने के अंदर कितना आया। सर दिसंबर के महीने में 50,000 तो जहां से मैं पैसा का, हम जहां जॉब कर रहे हैं वहां से है, और 10,000 रुपये हमारे पास ये नानी जी ने जो पैसा दिया ये भी आ गया। ओके हाँ जी, अब मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, कौन सी अर्न इनकम है कौन सी अन अर्न इनकम है। सर अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसका, ये 50,000 का, तो ये तो मेरी क्या है अर्न इनकम है, और ये जो 10,000 रुपये है ये मेरी क्या है अन अर्न इनकम है, ये बात ध्यान रखना। ओके ये जो अनअर्न इनकम है उनको जनरली बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसफर इनकम। तो अगर आपको बाहर से कोई भी पैसा मिला या देश के अंदर अगर कोई भी पैसा आपको इस तरीके का पैसे मिले जो कैसे हेल्प के तौर पे मिला, डोनेशन के तौर पे मिला या चैरिटी के तौर पे मिला, जिसके बदले में आपने कुछ भी नहीं किया, दैट इज नोन एज अ फैक्टर ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम को हम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, नेशनल इनकम में ओनली कौन थेगी फैक्टर्स की इनकम। लेकिन मैंने यहां पर आपको बाइफर्केट कर दिया, इनकम के दो सबसेट है, एक है कौन सा जो फैक्टर इनकम है और एक कौन सी ट्रांसफर। तो जो ट्रांसफर इनकम है उसको हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, और जो फैक्टर इनकम है उसी को इंक्लूड करते हैं। अब यहां पे छोटा सा क्वेश्चन और आ गया, फैक्टर इनकम को क्या बोलते हैं अर्नड इनकम। अब फैक्टर हैं कितने, सर अगर बात करते हैं फैक्टर प्रोडक्शन का तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, बट जनरली इकोनॉमिक्स के अंदर हम चार को फैक्टर प्रोडक्शन बोलते हैं। एक होता है लैंड, क्या लैंड, एक है लेबर, एक है कैपिटल, और एक कौन सा एंटरप्रेन्योरशिप। और ये जो हमारे फैक्टर्स है ना, ये जो हमारे फैक्टर प्रोडक्शन है, इनकी जो इनकम होती है, इनके ऊपर जो इनकम आती है, अगर मैं उन सबको जोड़ दूं तो वो मेरी बन जाएगी क्या फैक्टर इनकम। क्या बन जाएगी फैक्टर। तो छोटी सी बात यहां पे ये हो गई है, नेशनल इनकम में क्या आएगा, क्या फैक्टर इनकम आएगी, आएगी। क्या ट्रांसफर इनकम आएगी, नहीं आएगी, ओनली क्या आएगी फैक्टर इनकम। ठीक है जी, अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हमारे पास में, जनरली चार, इकोनॉमिक्स के अंदर हम चार को लेकर चलते हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है। चलो जी अब कुछ और बातें, अब फैक्टर प्रोडक्शन मेरे पास में कितने चार, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के बदले में जो है वो क्या होता है कंपनसेशन के तौर पे हम पे करते हैं क्या रेंट, लेबर के बदले हम कंपनसेशन के तौर पे क्या देते हैं वेजेस, कैपिटल के बदले कंपनसेशन के तौर पे क्या देते हैं इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में जो है वो क्या मिलता है प्रॉफिट। ये जो चारों हैं इनको बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। अगर आपने किसी बंदे को लैंड दी, अगर आपने किसी बंदे को लेबर दी, अगर आपने किसी बंदे को कैपिटल दी, या अगर आपने किसी बंदे को एंटरप्रेन्योरशिप दिया, तो इनके बदले में ये फैक्टर्स प्रोडक्शन है, इन फैक्टर्स के बदले में ये हमारे क्या है फैक्टर्स। इन फैक्टर के बदले में आपको क्या क्या मिला, लैंड के बदले में रेंट मिला, लेबर के बदले में वेजेस मिला, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिला, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिला प्रॉफिट मिला। इन सबको जोड़ दूं तो ये बन जाएगी मेरी फैक्टर्स की इनकम। क्या बोलेंगे फैक्टर इनकम। और यही फैक्टर इनकम जो है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या नेशनल इनकम। ये हमारी क्या नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या बोलती है, सर नेशनल इनकम का मतलब होता है नेशनल इनकम इंक्लूड द फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम। और फैक्टर कितने इकोनॉमिक्स में चार, ये चारों फैक्टर की इनकम को अगर मैं क्या कर दूं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा नेशनल इनकम। चार फैक्टर की चारों इनकम, चार फैक्टर जो है और उन चारों फैक्टर की हमने इनकम को क्या कर लिया इंक्लूड कर लिया, एग्रीगेट कर लिया, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या नेशनल इनकम। ये फैक्टर इनकम जो कमाएगा कौन, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट जो इनकम कमाएंगे इन फैक्टर्स के, फैक्टर के तौर पर, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या हमारी नेशनल इनकम। ओके अब इसको क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि कमाई के अंदर सिर्फ ये थोड़ी आता है। देखिए आप एक बात बताइए, आप इनकम में किसको लेके आते हैं, सर जो हमारी कमाई बचती है। आपने काम करना शुरू किया, ओके अब जब आप काम करना शुरू किया तो आप सामान को परचेज रॉ मटेरियल लोगे, हाँ जी, फिर उसको प्रोडक्शन करोगे उससे जी, अब प्रोडक्शन करके जो फिनिश गुड्स होगा उसको आप क्या करोगे सेल करोगे जी, सेल करने पर जो मिलेगा वो आपका रेवेन्यू हो गया, हाँ जी, उस रेवेन्यू में से भी आप खर्चे का भुगतान कर दोगे और लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा प्रॉफिट होगा, हाँ जी। तो अल्टीमेटली फर्म ने शुरुआत में क्या किया, फर्म ने प्रोड्यूस की गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन किया कैसे, बाय परचेजिंग फैक्टर प्रोडक्शन। फर्म ने पहले ये सारे फैक्टर प्रोडक्शन को क्या किया परचेज किया, हाँ जी, करने के बाद फिर इन फैक्टर्स के बदले में जो है फर्म ने क्या दे दिया इनको कंपनसेशन दिया। फर्म ने डिस्ट्रीब्यूट किया अपना रेवेन्यू, जो फर्म ने सेल की थी, सेल करके जो पैसा मिला उसको रेवेन्यू बोलते हैं। फर्म ने उस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस में, ओनर्स के बीच में कर दिया, यही तो उनकी फैक्टर इनकम हो गई, समझ रहे हो। तो फैक्टर इनकम के अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो क्या लेके आते हैं, जो भी प्रोडक्शन कंट्री के अंदर हुआ वो सब इसके अंदर हम लोग जो है वो सब बेसिकली जो है उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, हमारे फैक्टर्स की इनकम के अंदर। एक बात को ध्यान रखिएगा,
ठीक है। अब थोड़ा सा मैं दोबारा एक बार आपको ऊपर लेके चलता हूँ। देखो जी, इंडिया के अंदर कितने तरह के लोग थे? सर दो तरह के, एक थे रेजिडेंट, एक थे नॉन रेजिडेंट। दोनों लोग इंडिया में इनकम कमाते हैं, कमाते हैं, लेकिन नेशनल इनकम में किसकी इनकम को लेके आते हैं? सर ओनली रेजिडेंट की इनकम को नेशनल इनकम में काउंट करते हैं, नॉन रेजिडेंट की इनकम को नेशनल इनकम के अंदर हम काउंट नहीं करते, ठीक है। नेशनल इनकम की डेफिनेशन बोलो क्या होती है? सर नेशनल इनकम का मतलब होता है इट इज अ सम टोटल, ये सम टोटल होता है किसका? फैक्टर इनकम का अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, सम टोटल ऑफ द एग्रीगेट, मतलब सम टोटल मतलब एग्रीगेट किसका? फैक्टर इनकम का, जो अर्न करिए किसमें? नॉर्मल रेजिडेंट ने ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है जी। इसके बाद में फिर हमने ये पढ़ा इनकम कितने तरह की? दो तरह की, एक है फैक्टर इनकम और एक कौन सी? ट्रांसफर। फैक्टर इनकम, अर्न इनकम, ट्रांसफर इनकम, अनअर्न इनकम। जो हम नेशनल इनकम की अगर बात करें तो नेशनल इनकम में ओनली कौन सी इनकम को लेके आते हैं? जो सर फैक्टर इनकम होती है, सिर्फ अर्न इनकम उसी को काउंट करते हैं, हमारी अनअर्न इनकम को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम को हम लोग जो है फैक्टर इनकम में काउंट नहीं करते, ठीक है जी। अब बोलते हैं ओल प्रोडक्शन, खास बात, ऑल प्रोडक्शन अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू फैक्टर इनकम। जितना भी प्रोडक्शन होता है उस सबको आप अल्टीमेटली क्या करते हो? कन्वर्ट करते हो किसमें? फैक्टर इनकम है, ओके हाँ जी। सबसे पहले फर्स्ट फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स को, फर्म जो है गुड्स बनाएगी कैसे? बाय परचेज करेगी फैक्टर प्रोडक्शन किससे? हाउस होल्ड से। और फिर इन फैक्टर प्रोडक्शन के बदले में फर्म क्या करेगी? जो फर्म के पास रेवेन्यू आया था, जो कमाई आई थी, उसको क्या करेगी? एलोकेट करेगी। सेकेंड, फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एलोकेट करेगी अपने रेवेन्यू को जो सेल करके कमाया था अमंग किसमें? ओनर ऑफ द फैक्टर। तो बेसिकली ये हमारे फैक्टर प्रोडक्शन थे और ये उनके बदले में क्या मिला? कंपनसेशन। इन सबको अगर मैं एड कर दूं तो बन जाएगी मेरी क्या? फैक्टर इनकम। और फैक्टर इनकम जो है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? नेशनल इनकम। चलो कुछ और खास बात, अब इनकम को ही यहां पे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी प्रोडक्शन था, ध्यान दो मैंने यहां पे शुरुआत में एक वर्ड लिखा था, वो क्या? All production is ultimately converted to factor income. जितना भी production है, वो सब को हम convert करते हैं किसमें? factor income में। और कैसे करते हैं? ये दोनों आपको मैंने बता दिया। फार्म ने सबसे पहले जो है वो क्या किया? गोट्स बनानी है। गुड्स जो है वो क्या करनी है? प्रोड्यूस करनी है। प्रोड्यूस करने के लिए जो है वो क्या क्या चाहिए बोलो? सर प्रोडक्शन के लिए चाहिए फैक्टर, फैक्टर में चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ जी, अब फर्म ने इन फैक्टर को क्या किया? पहले परचेस किया, कर लिया। फिर सब फर्म ने प्रोडक्शन कर लिया, कर लिया। इस प्रोडक्शन को सेल कर दिया, कर दिया। सेल करने पर जो मिला उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। हाँ जी सर। और ये रेवेन्यू को फर्म ने इन्हीं में ही तो क्या कर दिया? एलोकेट कर दिया। भाई बोलो, क्या फर्म ने इसी रेवेन्यू को क्या एलोकेट नहीं कर दिया? आप एक बार सोचिएगा, फर्म के पास जो भी पैसा आया, फर्म ने जिससे लैंड ली थी, जिससे क्या ली? लैंड, उसको दे दिया रेंट, जिससे लेबर ली उसको दे दिया वेजेस, जिससे कैपिटल ली उसको दे दिया इंटरेस्ट, और बाकी जो बचा खुचा था वो दे दिया एंटरप्रेन्योरशिप को। जो बचा खुचा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रॉफिट। बोलो, हाँ जी। तो क्या अल्टीमेटली ये जो प्रोडक्शन है, क्या ये जो प्रोडक्शन है यही आपकी फैक्टर इनकम है या नहीं है? मुझे बस ये बता दो। सर बिल्कुल सही बात कर रहे हो, क्योंकि जो गुड्स हमने प्रोड्यूस करके और बाद में क्या करी? सेल करी। सेल करके जो भी हमें रेवेन्यू मिला, ये रेवेन्यू इसके बराबर ही तो है। मतलब आपने जो रेवेन्यू कमाया, क्या वो रेवेन्यू आपकी फैक्टर इनकम के बराबर है या नहीं है? हाँ जी सर, क्योंकि ये सारा रेवेन्यू एलोकेट तो कर दिया हमने। जितना भी आपने रेवेन्यू कमाया, क्या वो सारा एलोकेट कर दिया? नहीं कर दिया। कर दिया तो क्या मैं यहां पे टोटल प्रोडक्शन की जगह पे टोटल प्रोडक्शन की जगह पे टोटल इनकम वर्ड यूज कर सकता हूं क्या? बोलो, हाँ जी। और टोटल इनकम की जगह पे क्या टोटल प्रोडक्शन वर्ड यूज कर सकता हूं क्या? हाँ जी। तभी तो मैंने ऊपर लिखा, ये देखो मैंने क्या लिखा, इनकम जो है वो बराबर होगी किसके? प्रोडक्ट। इनकम किसके बराबर है? प्रोडक्ट। क्योंकि जो भी आपकी फैक्टर इनकम है, जो भी आपकी फैक्टर इनकम है वो बराबर है किसके? आपके प्रोडक्शन के। किसके बराबर है? बोलो बोलो सर, वो बराबर है हमारे प्रोडक्शन के। तो इसका मतलब डोमेस्टिक इनकम को मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोल सकता हूं। तो अगर कभी भी आ जाए जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है, क्योंकि ये प्रोडक्शन जो है वो जनरली क्या है? इनकम है। समझ रहे हो? बोलो, हाँ जी सर। ये है अपना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने अभी किया। अब हम रीडिंग करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए आप बुक के ऊपर आ जाइए, चैप्टर नंबर 8 पे आ जाइए। हमने आपको भी पढ़ा है कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का क्या। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा नेशनल इनकम की डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो क्या बोलती है? नेशनल इनकम जो है उसके अंदर आएगा इट इज अ सम टोटल, बोल तो एग्रीगेट होता है फैक्टर इनकम का, विच इज अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। दिस डेफिनेशन इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आए हैं। एक तो है क्या कि नेशनल इनकम में ओनली फैक्टर इनकम आएगा, और दूसरा नेशनल इनकम के अंदर आएगा इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, तो आप डीपर डेप्थ में जाके अपने को पढ़ना है। सबसे पहले फैक्टर इनकम, व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। फैक्टर इनकम वो
पेमेंट है जो कौन करता है, प्रोड्यूसिंग यूनिट, मतलब वो फर्म जो सामान को बनाती है वो करती है किसको, हाउस होल्ड को, मतलब ओनर फैक्टर प्रोडक्शन को। फर्म ने क्या किया, फैक्टर्स को परचेज किया, और इन फैक्टर्स को जो परचेज किया उसके बदले में कर रही है फर्म क्या, फैक्टर्स की पेमेंट। क्या कर रही है, फैक्टर की पेमेंट। ये फैक्टर की पेमेंट जो फर्म के द्वारा की जा रही है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को, यही है आपकी फैक्टर इनकम। चलो आगे देखते हैं। अब फैक्टर इनकम आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज अंडर, फैक्टर इनकम को जो है वो चार पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहला, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये किसके लिए होती है, लेबर के बदले में, किसके बदले में, जो आपके लेबर है उसके बदले में मिलता है क्या, कंपनसेशन। लैंड के बदले में क्या मिलता है जी, रेंट। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है जी, इंटरेस्ट। और जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो होती हैं आपकी, जो आपने रिस्क उठाया, फर्म को शुरू किया, फर्म को आगे चलाया और ऐसा करने पर रिस्क उठाया, उसके बदले में मिलता है क्या, आपका प्रॉफिट। तो इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टर इनकम। इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम वी इंक्लूड ओनली दीज फैक्टर, हम सिर्फ इन्हीं फैक्टर को लेके आते हैं चार को, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, बट इकोनॉमिक्स के अंदर जनरली हम लोग इन चार फैक्टर को जो है वो लेकर चलते हैं। तो इन चारों फैक्टर की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फैक्टर इनकम। आगे, फैक्टर इनकम डिफरेंट है किससे, ट्रांसफर इनकम से। अभी आपको मैंने क्लियर किया, ट्रांसफर इनकम फ्री में मिली हुई जो अनअर्न्ड नेचर की होती है, और अनअर्न्ड इनकम को हम नेशनल इनकम के अंदर काउंट नहीं करते हैं। पढ़ते हैं, इट में बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर डिफरेंट, फैक्टर इनकम जो है वो क्या है जी, अलग है, डिफरेंट है किससे, ट्रांसफर इनकम से। ट्रांसफर इनकम आर दोस इनकम विच आर रिसीव बाय पर्सन एज हेल्प के तौर पे, डोनेशन के तौर पे या चैरिटी के तौर पे, वेयर एज, जबकि फैक्टर इनकम आर दोस इनकम विच आर रिसीव बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर फैक्टर सर्विस। लेकिन फैक्टर इनकम वो है जो आपने फैक्टर प्रोडक्शन फर्म्स को दिए, उसके बदले में फर्म ने आपको कंपनसेशन के तौर पे जो इनकम दी, दैट इज द फैक्टर इनकम। इन अदर वर्ड्स, व्हाइल फैक्टर इनकम इज अ अर्न्ड इनकम, बोलता है फैक्टर इनकम क्योंकि अर्न्ड इनकम है, क्योंकि हमने कमाई है, जबकि ट्रांसफर इनकम इज अ अर्न्ड इनकम, सिंस ट्रांसफर इनकम आर नॉट अर्न्ड एज रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग सेक्टर सर्विस, दीज आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन, दीज आर नॉट, हाईलाइट कर लेना भाई, दीज आर नॉट इंक्लूड, जब आप नेशनल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो ट्रांसफर इनकम को आप उसके अंदर कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। नेशनल इनकम, सो नेशनल इनकम जो है वो क्या, इट इज सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का। ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम एज दीज आर नॉट अर्न्ड एज रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग द फैक्टर सर्विस। ओके, आगे दूसरा है नेशनल इनकम क्या बोलते हैं, सर नेशनल इनकम की डेफिनेशन जो है वो ये बोलती थी, नेशनल इनकम इज अ सम टोटल किसका, फैक्टर इनकम का। तो हमने फैक्टर इनकम तो कंप्लीट कर लिया, जो अर्न करे किसे, नॉर्मल रेसिडेंट ने। तो अब क्वेश्चन यहां पे आते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट कौन है। नॉर्मल रेसिडेंट की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पे नॉर्मल रेसिडेंट के तौर पे हम दो पॉइंट्स को जो है वो कंसीडर करते हैं। पहला तो ये नॉर्मल रेसिडेंट हम उसको बोलेंगे जो इंडिया में रिसाइड करता है, बात खत्म। और दूसरा, जिसका इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको बोल देंगे रेसिडेंट। यहां पे सिटीजनशिप, ध्यान से सुनना, नागरिकता सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट जो होते हैं उन्हीं की इनकम को इंक्लूड करते हैं, जो नॉन रेसिडेंट होते हैं एनआरआईस इनकी इनकम को इसमें इंक्लूड नहीं करते। कुछ खास बातें जो है अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो पहले पढ़ते हैं नॉर्मल रेसिडेंट कौन है। नॉर्मल रेसिडेंट इज सेड टू बी वन, नॉर्मल रेसिडेंट उस पर्सन को बोलेंगे हु ऑर्डिनरली रिसाइड, जो जनरली क्या करते हैं, रिसाइड मतलब रहता है इन द कंट्री कंसर्न, एंड एक तो ये कंडीशन जो इंडिया में रहता है, प्लस हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है मतलब वो बेसिकली इंडिया में रह रहा है, मतलब क्या, पैसा कमाने के लिए इंडिया के अंदर रहता है, तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या, नॉर्मल रेसिडेंट। पढ़ते हैं इसके बारे में, हियर नोट दीज ऑब्जर्वेशन केयरफुली। नंबर वन, ए पर्सन रिजाइड इन द कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर, अगर कोई पर्सन इंडिया के अंदर एक साल या उससे ज्यादा रहता है तो हम बोल देंगे कि ये हमारा क्या है, ऑर्डिनरली रिसाइडिंग। पढ़ो दोबारा से, ए पर्सन रिजाइडिंग इन द कंट्री, अगर कोई पर्सन इंडिया में रहता है फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर, एक साल या उससे ज्यादा, इज टेकन एज ऑर्डिनरली रिजाइडिंग, तो हम बोलेंगे कि वो ऑर्डिनरी रिजाइड करता है इन दैट कंट्री। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। दूसरा, उसका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये कंडीशन प्लस में ये कंडीशन, उसका क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। पढ़ते हैं, ए पर्सन इज सेड टू हैव द इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री व्हेन ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। हम आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट मानेंगे इंडिया में, अगर आप इंडिया के अंदर क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो,
या कंजम्पशन कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो हम मान लेंगे कि आपका इंडिया के अंदर जो है वो क्या है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो बताइए पहले नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर कौन आएगा? सर नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर वो पर्सन आएगा जो इंडिया में रिसाइड करता है और उसका इंडिया में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, खत्म। हाँ जी, और ऐसा नॉर्मल रेजिडेंट अगर इंडिया में कोई भी फैक्ट्री इनकम कमाएगा, उस सबका एग्रीगेट इज नोन एज द नेशनल इनकम, खत्म। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पे बता रखे नॉर्मल रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के अंदर कुछ एग्जाम्पल, कुछ खास बातें। पहला, नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन आएगा? इंडियन वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसी, इंडिया के लोग जो फॉरेन एम्बेसी के अंदर काम करते हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर आएंगे। ऐसा क्यों? सर वो रहते तो बाहर है, वो रहते कहां पे? बाहर है, लेकिन वो सर्विस किसको दे रहे हैं? सर वो इंडिया के लोगों को सर्विस दे रहे हैं। इंडियन एम्बेसी के अंदर, मान लो इंडिया की एक इंडियन एम्बेसी ओपन हुई हुई है यूएस में, और इंडिया से मिस्टर राम को जो है वहां पे भेजा हुआ है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मिस्टर राम जो है वो किसके, यूएसए के लिए काम कर रहा है या इंडिया के लिए काम कर रहा है? सर इंडिया के लिए काम कर रहा है। वो है कहां का? इंडिया का। काम किसके लिए कर रहा है? इंडिया के लिए। कर कहां पर है? बाहर कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो एम्बेसी किसके लिए वर्क कर रही है? इंडिया के लोगों के लिए। दैट्स व्हाई उस राम को जो वर्क करता है फॉरेन एम्बेसी के अंदर, इंडियन वर्किंग द फॉरेन एम्बेसी, तो वो भी आपका जो है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। या इंडियन एम्प्लॉयड इन द WHO लोकेटेड इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर जो है, ध्यान से सुनना, जो इंडियन WHO के अंदर क्या है, एम्प्लॉयड है, WHO की एक मान लीजिए कोई एजेंसी जो है इंडिया के अंदर भी वर्क कर रही है और उसके अंदर अपने इंडिया के लोग जो है वो एम्प्लॉयड हैं, चाहे वो WHO के लिए काम कर रहे हैं लेकिन है कहाँ पे, इंडिया में, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट मान जाएंगे। लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इन इंडिया, अगर मान लीजिए कोई IMF है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसका एक ऑफिस इंडिया में खुला हुआ है और अपने इंडिया का पर्सन उसके अंदर एम्प्लॉयड है, तो वो उसको भी क्या मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट मानेंगे। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के एम्बेसडर जो बाहर काम करते हैं, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट में ये फोर्थ पॉइंट बताना चाह रहा था, इंडिया के लोग इंडियन एम्बेसी जो कि बाहर है वहां पे काम करते हैं वो भी नॉर्मल रेजिडेंट है, और इंडिया के लोग जो फॉरेन एम्बेसी इंडिया में बनी हुई है, जैसे यूएस वालों ने इंडिया में एम्बेसी बनाई है लेकिन यहां पे इंडिया वाला बंदा काम कर रहा है, तो वो भी अपना इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। और एक लास्ट और वो क्या, कोई फॉरेन सिटीजन, बाहर का कोई विदेशी बंदा इंडिया में रहता है फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन वन ईयर, इंडिया में एक साल से ज्यादा के लिए रहते हैं, तो उसको भी नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा, बशर्त ये कि वो इंडिया में जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने ना आए हो और ना ही वो इंडिया में पढ़ाई करने आए हो। इन दोनों लोगों के लिए ऊपर जो है ये रूल आपका एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि नॉन रेसिडेंट में किसको काउंट करेंगे? पहला, फॉरनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कैनेडा एंड जापान। फॉरनर्स, इंडिया ने इंडियन एम्बेसी खोली हुई है मान लो जापान के अंदर, और वहां पे जापान का किसी कोई पर्सन जो है वहां पे जॉब करता है, तो क्या वो काम तो इंडिया के लिए कर रहा है लेकिन क्या वो रेजिडेंट है क्या? नहीं सर, वो उसको क्या माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट। दूसरा, फॉरनर वर्किंग इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर कोई IMF का ऑफिस बना हुआ है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर कोई WHO का ऑफिस है और उसमें फॉरनर्स काम करते हैं, वो किसके लिए काम करें, इंडिया के लिए? नहीं सर, वो WHO या IMF के लिए काम करें, तो उनको जो है वो क्या मानेंगे, नॉन रेजिडेंट। आगे, एम्बेसडर इन इंडिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विदेशों के कुछ एम्बेसडर्स हैं वो इंडिया के अंदर काम करते हैं मान लीजिए, तो उनको क्या बोलेंगे, वो भी आपके इंडियन नहीं है, उनको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। एंड द फॉरन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इंडिया फॉर ए पीरियड लेस देन वन ईयर, या अगर कोई फॉरन टेक्निकल एक्सपर्ट इंडिया के अंदर आया और एक साल से कम पीरियड के लिए रहा, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, NRI। बात खत्म हो गया। तो अब यहां पे नटशेल में बोलते हैं, नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम ऑफ ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम के अंदर हम लेके चलेंगे इनकम किसकी, ओनली नॉर्मल रेसिडेंट की। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट, उसके अंदर हम नॉन रेसिडेंट की इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे, इवन वेन दे हैपन टू बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, चाहे वो इंडिया के सिटीजन हो तो भी उनकी इनकम को हम जो है वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे अब इसके अंदर कौन आएगा, इंडिया का एक बंदा काम करता है यूएस में, था तो इंडिया का, नागरिकता कहाँ की थी उसके पास में, इंडिया की, क्योंकि वो इंडिया में मान लीजिए एक बंदा था 1990 के अंदर इंडिया में पैदा हुआ और बाद में चला गया कहाँ, यूएसए, सन 2020 में कहाँ चला गया, यूएसए, यूएस में ही रहता है, यूएस में कमाता है, यूएस में खाता है, सब कुछ यूएस में एंजॉय कर रहा है, ठीक है, चाहे वो सिटीजन कहाँ का है, इंडिया का, लेकिन उसकी इनकम को हम इंडियन इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम में आएगी ओनली द नॉर्मल इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ द नॉन रेजिडेंट, जो हमारे नॉन रेजिडेंट है उसकी इनकम को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इवन वेन चाहे दे हैपन टू बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, चाहे वो इंडिया के कौन हो, सिटीजन हो।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आएगा डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। डोमेस्टिक इनकम में क्या आएगा, नेशनल नेशनल इनकम के अंदर जो है वो क्या आएगा। तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक और एक है क्या नेशनल कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट में आएगा सेक्टर इनकम जो इंडिया में कमाई है, ध्यान से सुनो सुनो सुनो। पहले बात करता हूं मैं किसका, डोमेस्टिक का। ओके, डोमेस्टिक में क्या आएगा, सेक्टर इनकम जो कमाई कहां हुई है, इंडिया में, चाहे वो कमाई हो किसने, नॉर्मल रेजिडेंट ने, चाहे वो कमाई हो रेजिडेंट ने, किसने, रेजिडेंट ने, और चाहे वो कमाई हो नॉन रेजिडेंट। समझो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। सर डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग जो है इनकम जोड़ते हैं, मतलब जो फैक्टर इनकम कहां पे कमाई है, इंडिया में कमाई है, चाहे वो फैक्टर इनकम कमाई है किसने, रेजिडेंट ने कमाई हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट ने, इन दोनों को हम जोड़ते हैं जब हम कौन से कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं, डोमेस्टिक को, किसको, डोमेस्टिक। और सर फॉरेन कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, या नेशनल कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा, नेशनल ना, तो नेशनल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नेशनल कॉन्सेप्ट ये बोलता है फैक्टर इनकम जो कमाई है इंडिया में, चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लेकिन किसने, ओनली रेसिडेंट ने। दोबारा समझो, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है वो सारी सेक्टर इनकम जो इंडिया में कमाई गई है ना, डोमेस्टिक बोलता है जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर कमाई गई ना, चाहे वो किसने कमाई हो, इंडिया वाले ने कमाई हो या नॉन रेजिडेंट ने कमाई हो, उन सबको जोड़ेंगे, ये बोलता है डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। और जो नेशनल कॉन्सेप्ट है ये क्या बोलता है, ये बोलता है वो सारी फैक्टर इनकम, ध्यान से सुना, वो सारी फैक्टर इनकम जो चाहे इंडिया में कमाई, चाहे इंडिया के बाहर कमाई, लेकिन कमाई किसने, नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई है, तो उसको हम जो है वो इसके अंदर क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। आइए मैं पढ़ाता हूं पहले एक बार आपको, फैक्टर इनकम है कौन सी, सर ये चार होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हमारे फैक्टर हैं, और उनके बदले में जो मिलता है वो हमारी क्या है, फैक्टर इनकम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, बोलता है एट द मैक्रो लेवल द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इज यूज बोथ एट द डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड द नेशनल कॉन्सेप्ट, व्हेन यूज एज ए डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट वी कॉल इट डोमेस्टिक इनकम, जब हम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट लेके लेते हैं तो उसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, और जब नेशनल कॉन्सेप्ट लेके लेते हैं तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। बोथ द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम इंक्लूड द फोर बेसिक एलिमेंट ऑफ द फैक्टर इनकम। अब ध्यान से सुनो, फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम की बात हो रही है, पहले डोमेस्टिक इनकम में क्या आएगा पहले आप बता दो एक बार, चलो इसको इग्नोर करते हैं। सर डोमेस्टिक इनकम में आएगा विद इन इंडिया के अंदर जो भी फैक्टर इनकम कमाई गई, चाहे इंडिया के लोगों के द्वारा, चाहे इंडिया के बाहर वाले जो लोग हैं, बोले तो नॉन रेजिडेंट के द्वारा, चाहे रेजिडेंट ने कमाई हो चाहे नॉन रेजिडेंट, लेकिन कमाई कहां पे, विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, तो वो आएगी हमारी कौन सी, डोमेस्टिक इनकम। पढ़ो, डोमेस्टिक इनकम इज अ सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, नो मैटर हु जनरेटेड। इस बात को इग्नोर कर दिए कि किसने जनरेट किया, अगर डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जनरेट करी है तो वो है जी आपके क्या, डोमेस्टिक इनकम, चाहे वो कमाई हो नॉर्मल रेसिडेंट ने, चाहे वो कमाई हो नॉन रेसिडेंट ने। जबकि अगर बात करूंगा नेशनल इनकम का, इसमें क्या आएगा, सर नेशनल इनकम में आएगा सब टोटल ऑफ द कौन सा, फैक्टर इनकम जो इंडिया में कमाई करी या इंडिया के बाहर कमाई करी, लेकिन ओनली रेसिडेंट ने। पढ़ो, नेशनल इनकम इज अ सम टोटल है किसका, फैक्टर इनकम का, अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, नो मैटर वेयर इट इज जनरेट, चाहे वो इंडिया में हो डोमेस्टिक टेरिटरी या बाहर हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेशनल इनकम। जल्दी से बोलो सर, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है। सर डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगा विद इन द बाउंड्री के अंदर जो भी इनकम कमाई गई है, चाहे वो रेसिडेंट इंडिविजुअल के द्वारा कमाई गई, चाहे वो नॉन रेसिडेंट के द्वारा कमाई गई, वो सब आएगा किसमें, डोमेस्टिक इनकम में। और नेशनल इनकम में क्या आएगा, सर नेशनल इनकम में ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल के द्वारा जो इनकम कमाई गई, कहां से, चाहे इंडिया से कमाई गई फैक्टर इनकम, चाहे इंडिया के बाहर से कमाई गई फैक्टर इनकम, वो आएगी आपके किसमें, नेशनल इनकम में। चलो खत्म, आगे बढ़ते हैं। Hence, it's become important to understand the concept of the domestic territory of the country. अब क्वेश्चन ये आता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, हम हमेशा ये बोल रहे हैं डोमेस्टिक इनकम के अंदर, हम क्या बोल रहे हैं कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम कमाई गई। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, क्या वो जो बाउंड्री होती है वो, क्या जोग्राफिकल लोकेशन आपके यहाँ पे जो पोलिटिकल टेरिटरी है क्या वो आएगा, जहाँ पे आपकी सरकार है वो आएगा, या उसके अलावा कुछ भी आएगा। सर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम लोग लेके आएंगे इकोनॉमिक टेरिटरी को, हम पॉलिटिकल टेरिटरी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी का। और इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब जो है वो ये होता है जहाँ पे हमारे लोग, हमारे गुड्स
जो है फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी। पढ़ते हैं, बोलते हैं इन द कॉमन लैंग्वेज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ द नेशन बट इन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के अंदर इसका मतलब जो है वो है क्या इकोनॉमिक टेरिटरी विच इज एज मच वाइडर कॉन्सेप्ट। इकोनॉमिक टेरिटरी की वाइडर कॉन्सेप्ट है देन द पॉलिटिकल टेरिटरी से। तो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर क्या है, इकोनॉमिक टेरिटरी जो है वो एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है विच इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच जिसके अंदर पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मतलब एक ऐसी टेरिटरी एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर हमारे लोग फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं उसको बोलेंगे इकोनॉमिक टेरिटरी। बात खत्म हो गया। हाँ जी, डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन द एम्बेसी ऑफ द फॉरेन कंट्री लोकेटेड इन इंडिया? नो, वी नो शुड बी द आंसर। डू वी हैव द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड? यस, शुड बी द आंसर। अब ध्यान से समझो ये क्या बोलता है, implying that foreign embassy जो locate होती है इंडिया में, foreign की embassy जो इंडिया में locate है are not the part of domestic economic territory of India। उसको वो क्योंकि यहाँ पे foreign वाले लोगों की चलती है। आगे on the other hand जो India की embassy अगर विदेशों में तो वो domestic territory का part है क्योंकि वहाँ पे हमारे लोग जो है freely जो है वो सर्कुलेट हो सकते हैं। आर द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। दस वाइल डिफाइनिंग द टर्म डोमेस्टिक टेरिटरी द फोकस इज नॉट टू द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए नेशन द फोकस इज टू ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया जहां पे हमारे लोग हमारे गुड्स हमारी कैपिटल एंजॉय कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? सर पहली बार डोमेस्टिक टेरिटरी को हम यहां पे जो है वो लेके आएंगे किसके नाम पे, इकोनॉमिक टेरिटरी। और इकोनॉमिक टेरिटरी वो है जहां पे हमारे पर्सन जहां पे हमारे गुड्स जहां पे हमारी कैपिटल क्या हो सकती है फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या डोमेस्टिक टेरिटरी या उसी को बोल देंगे हम लोग क्या इकोनॉमिक टेरिटरी। तो यहां पे पॉलिटिकल बाउंड्री को लेकर नहीं चलेंगे हम इकोनॉमिक बाउंड्री को लेकर चलेंगे। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक बाउंड्री? सर इकोनॉमिक बाउंड्री का मतलब है जहां पे हमारे लोग जहां पे हमारा सामान और जहां पे हमारी कैपिटल फ्रीली क्या हो सकती है मूव हो सकती है वो सब आएगा हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जिसको बोलते हैं हम लोग क्या इकोनॉमिक टेरिटरी। खत्म। आगे अब क्वेश्चन ये आता है कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कंप्यूट कैसे जो है वो कन्वर्ट करेंगे? सर देखो हमको ये एक बात मालूम है डोमेस्टिक इनकम के अंदर आती है क्या, जल्दी बोलो। सर डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी फैक्टर इनकम जो कमाई है किसने, बोलो, जो कमाई है रेसिडेंट ने और नॉन रेसिडेंट ने। लेकिन कहां पर कमाई? इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमाई। ध्यान से सुनना डोमेस्टिक इनकम के अंदर क्या आएगा? सर डोमेस्टिक इनकम के अंदर वो सारे फैक्टर इनकम जो इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाई गई है किसके द्वारा, बोलो, जो इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाई है किसके द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा या नॉन रेजिडेंट के द्वारा। और नेशनल इनकम में क्या आएगा? सर नेशनल इनकम के अंदर आएंगी वो सब फैक्टर इनकम वो सारे फैक्टर इनकम जो कमाई किसने, बोलो सर, वो सारे फैक्टर इनकम जो कमाई करी है किसने, ओनली रेजिडेंट ने। लेकिन कहां से वो कमाई करी है उसने, डोमेस्टिक टेरिटरी से भी और प्लस में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी। तो अगर डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? एक तो सर ये वाली इनकम को हटा दो, अगर आपको डोमेस्टिक को नेशनल में जो है वो क्या करना है कन्वर्ट करना है तो एक तो ये नॉन रेसिडेंट वाली इनकम को क्या कर दो यहां से हटा दो और ये जो इनकम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली इसको क्या कर दो जोड़ दो इसको हटा दो तो बन जाएगी डोमेस्टिक इनकम हमारी क्या नेशनल इनकम। वही हमने यहां पे किया है। देखो मैं आपको दोबारा बता दूं डोमेस्टिक इनकम में क्या आएगा? सर डोमेस्टिक इनकम में आएगा वो सारी फैक्टर इनकम जो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई, ओनली हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई गई है, चाहे किसी ने कमाई, चाहे रेजिडेंट ने कमाई चाहे नॉन रेजिडेंट। और नेशनल इनकम में क्या आएगा? नेशनल इनकम के अंदर जो है वो सारी फैक्टर इनकम जो ओनली किसने कमाई, सिर्फ रेजिडेंट ने कमाई। हाँ वो बहुत अलग है, कहां पे कमाई, इकोनॉमिक टेरिटरी में कमाई, डोमेस्टिक में कमाई या डोमेस्टिक के बाहर जाके कमाई, वो सब जो है वो काउंट होगा किसके अंदर, आपकी नेशनल इनकम में। अब अगर डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना हो किसमें, नेशनल इनकम में, तो कैसे करेंगे? पढ़ते हैं, डोमेस्टिक इनकम जो है वो सम टोटल है फैक्टर इनकम का विच इज जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इट इंक्लूड फैक्टर इनकम ऑफ बोथ द रेजिडेंट एज वेल एज द नॉन रेजिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। इट नीड टू एम्फेसिस दैट आवर डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड फैक्टर इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट। बिल्कुल सही बात है, हमारी डोमेस्टिक इनकम के अंदर जो है ये इंक्लूड होती है जो फैक्टर इनकम कमाई है किसे, नॉन रेजिडेंट ने। और हमारी डोमेस्टिक इनकम में वो इनकम नहीं होती कौन सी, जो फैक्टर इनकम हमारे लोगों ने कमाई है कहां से, बाहर से, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द अदर कंट्री। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बनेगी प्रोवाइडेड, पहला तो ये है हम उसमें से हटा दें माइनस कर दें किसको, वो डोमेस्टिक इनकम जो कमाई है किसने, नॉन रेजिडेंट में, जो नॉन रेजिडेंट ने इंडिया से कमाई उसको हटा दो और जो इंडिया के लोगों ने बाहर से कमाई उसको क्या कर दो, एड कर दो, एड टू द डोमेस्टिक इनकम डेट पार्ट ऑफ द फैक्टर इनकम विच आवर रेजिडेंट अर्न फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो बन जाएगी हमारी क्या, नेशनल इनकम।
बात खत्म हो गया। तो नेशनल इनकम कन्वर्जन डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम कैसे करेंगे, वो जो एग्रीगेट होगा ना, वो जो नेट निकल के आएगा उसको बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड का मतलब क्या होता है, फैक्टर इनकम जो मिली कहां से, एब्रोड से, वो ले लो, उसमें से आप क्या कर दो, माइनस कर दो। जो फैक्टर इनकम अर्न करिए किसने, नॉन रेजिडेंट ने, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। ओके, तो फैक्टर इनकम माइनस फैक्टर पेमेंट करोगे तो आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जो फैक्टर इनकम आपने विदेशों से कमाई और जो विदेशों के अंदर फैक्टर की पेमेंट करी उसको हटा दो यहां से, जो मतलब नॉन रेजिडेंट इंडिया से जो कमाया उसको अब यहां से क्या कर दो, हटा दो, तो बचेगा क्या, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो अगर आप डोमेस्टिक इनकम में NFIA को जोड़ दो तो वो बन जाएगी क्या, नेशनल इनकम, खत्म। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, सर डोमेस्टिक इनकम के अंदर जोड़ दो क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो वो बन जाएगी क्या, हमारी नेशनल इनकम। चलो जी आगे, तो यहाँ पे बता रहे हेयर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर नॉन रेजिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। तो फॉर कन्वर्टिंग द नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम, अगर नेशनल को डोमेस्टिक में लेगा ना तो हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम में से माइनस कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड तो बन जाएगी क्या, डोमेस्टिक इनकम, खत्म। लो जी अब आ गया, अब यहां पे बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। जो डोमेस्टिक इनकम है और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दोनों जो है वो क्या है जी, अपने एक आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है और जो डोमेस्टिक इनकम है, वो दोनों क्या है, आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनफैक्ट द टू टर्म्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बिकॉज ऑल द प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। जितना भी प्रोडक्शन है उस सबको हम फैक्टर इनकम में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अभी बताया भी था, पहले तो हम क्या करते हैं, फर्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स बाय हायरिंग और परचेजिंग द फैक्टर प्रोडक्शन, हाउसहोल्ड से क्या करते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन लेती है, और फिर सेकंड राउंड के अंदर फर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने रेवेन्यू को किसमें, अमंग द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है वही हमारा डोमेस्टिक क्या है, प्रोडक्ट है। बात को समझना, द हाउस होल्ड आर पेड, हाउस होल्ड क्या क्या पेमेंट करते हैं, वही चार फैक्टर जो है उनके लिए इनकम का पेमेंट करता है, कंपनसेशन करता है एम्प्लॉई को, रेंट पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, प्रॉफिट पे करता है। दस डोमेस्टिक इनकम इज ऑब्वियसली इक्वल टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वी कैन राइट दिस, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन जो है वो क्या बनी, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इज इक्वल टू नेशनल इनकम, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड वो भी क्या है, नेशनल प्रोडक्ट, और नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, खत्म। क्योंकि इनकम जो है वो जनरली क्या है, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन तो है, हाँ जी। और फिर इसके बाद आएगा एक नया कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं ग्रोस और नेट। तो यहां पे हम ये बोलते हैं ग्रोस क्या है, ग्रोस इज इक्वल टू नेट, नेट में अगर हम जोड़ दें क्या, डेप्रिसिएशन, तो वो क्या बन जाएगा, ग्रोस। और अगर आपको नेट निकालना हो तो नेट कैसे बनेगा, जब आप ग्रोस में क्या कर दो, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, तो वो क्या बन जाएगा, नेट। ग्रोस प्रोडक्ट इज मेजर एज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू। तो ये जो आपका GDP है, ध्यान से सुनना, जो GDP है और जो NDP है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बस क्वेश्चन यहां पे क्या है, एक जगह जो है वो तो क्या है, ग्रोस, और एक जगह क्या है, नेट। तो ग्रोस और नेट में डिफरेंस जो है वो ओनली किस चीज का है, ये जो डिफरेंस है वो है किसका, डेप्रिसिएशन का। अगर ग्रोस निकालना है तो आप क्या करो, नेट के अंदर एड कर दो किसको, डेप्रिसिएशन को, तो वो बन जाएगा क्या आपका, ग्रोस। तो ग्रोस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और अगर नेट निकालना है तो क्या करो, ग्रोस में से माइनस कर लो डेप्रिसिएशन को, तो वो बन जाएगा क्या, नेट। तो लिखा हुआ है यहां पे क्या, डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन को बोलते हैं क्या, कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल, जो हमारी एसेट्स होती है ना उनके ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है, ओके। इट कॉजेज द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाइल GDP इंक्लूड डेप्रिसिएशन, NDP डज नॉट। GDP में तो डेप्रिसिएशन आएगा ग्रोस, क्योंकि वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, और NDP के अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा क्योंकि वो नेट की बात कर रहे हैं। तो GDP इज माइनस डेप्रिसिएशन, अगर GDP में से आप माइनस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन, तो बचेगा क्या, NDP, और अगर NDP में ऐड करोगे डेप्रिसिएशन तो क्या आएगा, GDP। बात खत्म। अब आ जाओ जी, अब यहां पे तीन कॉन्सेप्ट है, एक है ग्रोस, ग्रोस का मतलब क्या, ग्रोस का मतलब ये है जो आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, बात हो रही है GDP की, तो यहां पे ग्रोस का मतलब क्या है, ये देखो ये तीन चीज है यहां पे, GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो पहला टर्म तो क्या गया, ग्रोस, तो ग्रोस का मतलब जिसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। द टर्म ग्रोस हैज बीन प्रीफिक्स विद द डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू इंडिकेट दैट द लेटर इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। दूसरा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या आएगा, वो सारे
मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो इंडिया के अंदर या इंडिया की जो डोमेस्टिक बाउंड्री है उसके अंदर बनाई गई, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक में क्या आएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस की गई है बोथ बाय द नॉर्मल रेजिडेंट एज वेल एज द नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। बात खत्म हो गया। और जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस है इसके अंदर आप फाइनल वैल्यू को लेकर आओगे, इसके अंदर आप इंटरमीडिएट जो वैल्यू होते हैं, बीच वाले जो वैल्यूज है उनको इसके अंदर काउंट नहीं करोगे। जैसे कोई सामान 100 रुपये का हमने लिया, इसके अंदर हमने काम किया 10 रुपये जोड़े, फिर वो सामान हो गया 110 का, इसमें फिर और काम किया 20 रुपये का, और फिर इसको हमने मार्केट में बेचा कितने का 130 का। तो आप जो GDP लेके आओगे या जो आप नेशनल इनकम लोगे उसके अंदर 130 को लेके आओगे, ये बीच वाले जो प्रोडक्ट है इनको आप इसमें काउंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी जो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू, तो इनकी वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स के अंदर इंक्लूड होती है। तो क्या बोलते हैं, ओनली द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टेकन इनटू अकाउंट, नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स इज रिफ्लेक्टेड इन द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनकी वैल्यू होती है किसके अंदर, फाइनल गुड्स के अंदर। ठीक है जी। और एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एक वर्ड आएगा क्या, फैक्टर कॉस्ट। तो एक आएगा मार्केट प्राइस और एक आएगा क्या, फैक्टर कॉस्ट। देखो नाम पे जाओ, मार्केट प्राइस जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, किससे, फैक्टर कॉस्ट से। ओके, तो जो आपका फैक्टर कॉस्ट है अगर इसमें आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। ध्यान से सुन लो, पहले एक बार समझ लो, मार्केट प्राइस जो है वो होता है क्या, जब आप फैक्टर कॉस्ट में ऐड करते हो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और जो फैक्टर कॉस्ट है वो क्या होता है, जब आप मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो कैसे निकलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडी, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी पे किया अगर उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस में से माइनस कर दो तो बन जाएगा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आओ देखते हैं, बोलते हैं देयर इज नो डिफरेंस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एज लॉन्ग एज वी आर कंसीडर ओनली टू सेक्टर। जब तक गवर्नमेंट बीच में नहीं आती तब तक कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट ही सब्सिडी प्रोवाइड करती है। जब गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर इन दोनों वैल्यू के अंदर जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस इज आइडेंटिकल विद द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट प्रोवाइडेड देयर इज नो गवर्नमेंट एंड देयर इज नो टैक्सेस एंड सब्सिडी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। वंस द गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूस, जब गवर्नमेंट आ गई तो टैक्सेस और सब्सिडी अपना जो है वो रोल प्ले करना शुरू कर देंगे, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट बिकम डिफरेंट एग्रीगेट। तो अब यहां पे जब गवर्नमेंट बीच में आएगी ना, तो एक बात ध्यान रखना, GDP एट फैक्टर कॉस्ट और GDP एट मार्केट प्राइस वो MP वो सेम नहीं होगा, क्योंकि बीच में कौन आ गई है, गवर्नमेंट आ गई है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टैक्स जो लगते हैं टैक्सेस की वजह से जो प्राइस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि टैक्स वो जो टैक्सेस ऑन गुड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस टेंड्स टू रेज द मार्केट प्राइस, उसे मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सब्सिडी की वजह से जो मार्केट प्राइस वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जब गवर्नमेंट बीच में आ जाएगी तो आपका जो मार्केट प्राइस है और आपकी जो फैक्टर कॉस्ट है वो सेम नहीं होगी। टू रीस्टोर द पैरिटी बिटवीन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस एंड द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हम यहां पे क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसमें से, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से एट द मार्केट प्राइस, क्या लाने के लिए, फैक्टर कॉस्ट लाने के लिए। और अगर आप इसमें सब्सिडी की वैल्यू को जो है वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, क्या लाने के लिए, मार्केट प्राइस से पहुंचने के लिए। मोटा मोटी बात, बस आपको ये बात याद रखनी है, वो क्या, मार्केट प्राइस किसके बराबर है, मार्केट, जब आप फैक्टर कॉस्ट में जोड़ लो क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बन जाएगा क्या, मार्केट प्राइस। और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालनी तो क्या करना है, सर फैक्टर कॉस्ट में से माइनस, फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में से माइनस कर लो किसको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलते हैं, सर NIT बराबर होता है किसके, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, हां जी, लो जी, ये था कॉन्सेप्ट, हमने कर लिया। और नटशेल में यहां पे क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे तो बनेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस में से अगर आप NIT माइनस कर दोगे, मतलब अगर मान लो मैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रखा है, अगर इसमें से माइनस कर दूंगा क्या NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आ जाएगा क्या, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस में से अगर NIT माइनस कर दो तो क्या आएगा, फैक्टर कॉस्ट। और अगर फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दो NIT तो क्या आएगा, मार्केट प्राइस आएगा। खत्म कर लोगे, हाँ जी, लो जी, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो आज आपको एक तो मैंने ये पढ़ाया कि ग्रोस का मतलब क्या, ग्रोस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, हाँ जी, और अगर नेट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सर नेट इज इक्वल टू ग्रोस माइनस डेप्रिसिएशन।
ठीक है जी। दूसरा आपको मैंने जो है वो पढ़ाया क्या, एक हमने नया कॉन्सेप्ट और पढ़ा जिसके अंदर हमने पढ़ा डोमेस्टिक क्या होता है। डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम एब्रोड। और अगर नेशनल निकालना तो कैसे निकलेगा सर, नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट ने और पढ़ा और वो जो है वो क्या कि फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस में NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और मार्केट प्राइस किसके बराबर है, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस में NIT। और NIT कैसे निकालते हैं सर, NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडी। खत्म, बोलो। हाँ जी, तो ये था हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। दो लेक्चर लग रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, एक हमने अभी कर लिया, एक नेक्स्ट के अंदर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो हमने आज की क्लास के अंदर जो है वो पढ़ा है नेशनल इनकम क्या होता है। तो नेशनल इनकम के अंदर बेसिकली हमने ये पढ़ा, नेशनल इनकम जो है वो सब सम टोटल होता है किसका, फैक्टर इनकम का, जो अर्न करता है कौन, नॉर्मल रेसिडेंट, चाहे वो फैक्टर इनकम कमाई गई है कहाँ से, इंडिया से, चाहे वो कमाई गई इंडिया के बाहर से, लेकिन कमाई किसने, ओनली नॉर्मल रेसिडेंट ने। जो नॉन रेसिडेंट की इनकम होती है फैक्टर इनकम, उसको हम इसके अंदर काउंट नहीं करते हैं। ओके, हाँ जी, चलो ये हो गया नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। ओके, हाँ जी, चलो इतना कीजिए, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।